हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह देखिए, मैं गई आज 5 किलो आलू लेके आई। ऐसे तो आलू घर में है, लेकिन आज बड़े बड़े आलू मैं लेके आई हूँ। मैं गई ननद के घर पे, देखी चिप्स बनाई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा बना लूँ, तो ये इधर 5 किलो पूरा आलू वजन करा के लेके आई हूँ। और इस आलू को मैं छील रही हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 10:15 बज रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे। बैठी थी, बैठ के कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। होता है लोग कई आजकल कई प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो कुछ DNX कंपनी जो DXN है, ऐसा प्रोडक्ट है वो शायद बहुत लॉन्च है बोल रहे हैं विदेशों में। तो मतलब मेरी एक पहचान वाली है, वो इनसे जुड़ी हुई है, तो बोल रही थी कि आप भी भाभी जुड़ जाइए। तो एक घंटा से ज़्यादा उन्होंने मेरा समय ले लिया, और समय लेने के बाद हमारे सारे काम रुक गए हैं। मैं बर्तन धुल रही थी तभी आ गई वो, बात की हूँ, फिर सोचूंगी समझूंगी तुमको बताऊंगी। इधर मैं आलू को छील रही हूँ, और आलिया ना को लेके भेजती हूँ इसके बगल पे। मैं भी चलाऊँगा वहाँ, ये लोग छीलेंगे अपना, छीलेंगे छीलेंगे। और डब्बा लेके जाना, पानी भी लेकर आता रहेगा तो लेके आना, ठीक है। और गैस चिप्स कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कब की सुबह, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चिप्स तो अच्छे लगते हैं, किसको किसको नहीं अच्छे लगते। पापड़ हुए, आलू के चिप्स हुए, ये सब चीज़ें जो है कि बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गाँव में रहती थी तो कितना बनाती थी, शादी नहीं हुआ रहता था तो कम से कम जो 15 किलो का घी गला डब्बा होता है, उस डब्बे से 4-5 डब्बे हम लोग पापड़ बना लेते थे, चिप्स बना लेते थे, फिर चावल का, साबुदाना का, क्या क्या नहीं बनाते थे। लेकिन अभी सारे शौक ही मिट गए हैं, क्योंकि देखो जब कोई बनाता है तो देख के इच्छा होती है बनाने की, और कोई नहीं बनाता है तो फिर कुछ नहीं। जैसे कि आज मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे बनाना है, चिप्स काटना है मुझे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। लेकिन आज मैंने देखा ननद जब मेरी बनाई है, हम कहे थोड़ा सा मैं भी बना लेती हूँ। तो गाइस इधर आलू छील रही हूँ, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। हे गाइस, इधर देखिए, क्या मैं अपनी दुखड़ा रोऊं आप लोगों के सामने। इतनी दुखी हूँ कि मैं आप सबसे बता नहीं सकती। इस मुश्किल घड़ी में त्यौहार सामने है, और मुझे अंदर से इतनी घबराहट हो रही है कि मैं आप सबसे बता नहीं सकती हूँ। घड़ी में 10:45 बज रहे हैं अभी, जब मैं आलू छील के अब बच्चे लोग से भेज दी, बच्चे लोग भी गए हैं अपने बुआ के घर पे आलू का चिप्स बनाने काटने, उसको सुबह उस बॉईल करके मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जाने के बगैर ये काम हो नहीं सकता है। तो अभी मैं आज गई हूँ किचन में, इधर आटा सान ली हूँ। हमारे घर में कैसे खाने बन रहे हैं आप लोग समझ नहीं सकते हैं, कि जिस घर में 4 दिन से एक बूंद पानी इस नल से नहीं टपका होगा, उस घर में क्या कंडीशन है, और हमारे इस समय क्या कंडीशन चल रहे हैं, कैसे हम तो सोच नहीं सही सकते हैं। अभी हमने इतना ढेर सारा देख रहे हैं हमारी ट्रॉली में, फिर इधर टिफिन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन धुलने में, तो 5-5 लीटर का हमारे पास तेल का डब्बा है। ऐसे देखो, ये 2-3 ऐसे डब्बे ऐसे हैं जो कि हमने धुल के रखे हैं, और अभी 2 डब्बा आरो पानी लेके आया है, तो मैं बर्तन धुली हूँ। मेरे घर में आप देखेंगे सारे बर्तन खाली हैं, एक भी वैसे भी एक्स्ट्रा बर्तन तो है नहीं। अभी भी मैं 2 डब्बा आर्यन से को और 2 डब्बा आरो को भेजी हूँ कि हाँ आने लगना, पानी आ रहा होगा तो डब्बा भर के लेके आना, सुबह आर्यन को स्कूल जाना रहेगा। तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और इस रोटी के साथ हम लोग क्या खाएंगे भगवान जाने। बस पेट में भूख लग रहा है, पेट भरने से मतलब है किसी भी तरीके से भर जा रहा है, क्योंकि पानी के बगैर कुछ काम नहीं होता। पानी निकलता है, देखिए अब इतना ढेर सारा टिफिन, केवल टिफिन इतना निकला हुआ है। बर्तन की तो बात ही छोड़ो, बर्तन हमने उसमें ट्रॉली में रख दिया, फिर इधर टिफिन रखे हैं, पानी झड़ने के लिए भी बंद करके रखूँगी। जा रही हूँ रोटी सेकने गैस, और आप लोग देख सकते हैं घड़ी में बज गए हैं कितने, 10:45 हो रहे हैं, 11:10 बाकी हैं, और मैं घर में अकेली हूँ। बच्चे के आते आते रोटी भी बन जाएगा गरम गरम,
तो देखो द नेक्स्ट मॉर्निंग। हे गाइस, श्री शिवाय नमस्ते। भी हम सुबह हो गई है। आज जानते हैं मैं अपने ही बिल्डिंग से नीचे वाले रूम से, नीचे बहुत फोर से पानी आ रहा है लेकिन हम लोग के रूम में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं और आ रहा हूँ। सारे देखिए, इधर देखिए डब्बों की लाइन लगी हुई है। सारे डब्बा हमने नीचे से ढूंढो के भर के लेके आए, फिर इधर टब बल्टी सब भर के रख दी, नहा ली। आज मैं अपने घर पे नहाई हूँ, पूजा भी की हूँ, लेकिन मुझे बनाना है आलू का चिप्स, जो कि इसमें आलू के चिप्स में थोड़ा सा धोने धाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी की किल्लत है। इसके लिए मैंने रात को आलू छील के ननद के घर पर भिजवा दी हूँ बच्चे लोग से। चलो देख, उस बोली थी सुबह आ जाना लेकिन पानी के चक्कर में मैं गई नहीं। अभी जस्ट मैं नहा के जा रही हूँ। घड़ी में बज गए हैं, 9:45 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ, देखती हूँ उसको। अगर बॉयल की रहेंगे तो फैलाऊँगी, नहीं तो फिर बॉयल के करके फैला के आती हूँ आलू का चिप्स। होली का त्यौहार है गैस, त्यौहार है तो दिल नहीं मानता है। ऐसे आप चाहे जैसा भी कर लो, ये होता है कि आप ऐसे कुछ भी बनाने खाने का मन करेगा तो बिल्कुल भी आप नहीं बनाएंगे, लेकिन त्यौहार ऐसा चीज़ है कि आप न चाहते हुए भी सब कुछ आपको करना पड़ता है, मन लगा कर रहता है। तो मैं चलती हूँ यहाँ से। आ रहा तो सुबह का ही पानी भर के पहले गया था, फिर आया पानी भरा मेरे साथ, फिर चला गया, बोला मम्मी जल्दी से आना। तो मैं चलती हूँ गैस। ये गैस इधर देखिए, रात को आलू काट के रखा गया है और एक घान का मैंने इसमें धो के डाल दी हूँ बॉयल होने के लिए। ये लमसम लमसम हो गया है हल्का सा, मतलब पानी जब बॉयल होगा तो 5 मिनट के बाद इसको ज़्यादा गलाएंगे नहीं, नहीं तो चूर हो जाएगा। तो इधर देखिए, एक टोप में रखी हूँ, एक कुकर में हो गया है। आरो और गौरी गए हैं ऊपर साड़ी बिछाने, अभी इसका वो निकालूंगी तो फिर इसको डालूंगी, तो ये हो जाएगा। फैलाने में काफ़ी समय लगेगा। और इधर आने के बाद मैं आई हूँ किचन में। देखिए ये लोग कितने एक्साइटेड हैं। हाँ रो बिछा दिए, टोप में निकलना, इसी में निकल, पता नहीं क्या ले निकाला। उछाने वाला रहता है, सही है ना। सो गाइस देखिए, सब धूप से बचने के लिए उधर से सामने मम्मी दुपट्टा ले लिए, वो भी दुपट्टा ले लिए। हमें देखिए, मैं झोला लेके हूँ कड़ी धूप में। गाइस इधर देखिए, हम लोग होली की तैयारी कर रहे हैं और इतना मेहनत, डिजाइन वाला टूट जाता है, धीरे से करना। हाँ ठीक है, होली की तैयारी में गुजिया भी बनेगा। तो आर्यन और यश मिल के दोनों लोग रात में चिप्स काट दिए हैं बच्चे लोग का। उस पे मत चढ़ो, इस पे फैलाएंगे ना। अरे चढ़, मेहनत तो करना पड़ता है। ये सब चीजें करने के लिए एक दो लोग चाहिए, अकेले के बस की बात नहीं है। देखिए अब मैं इधर आई हूँ तो ननद मेरी उसको धो के दूसरे घान को बॉईल करेंगे और दूसरा जा रही है निकालने के लिए। गौरी सबसे ज्यादा जाके मेरा चप्पल स्लीपर लेकर आना, मेरा पैर जल रहा है। सो गाइस यहां देखिए इतना चिप्स बन गया। कौन सा गाइस, कौन सा गाइस? गाइस देखिए इधर कलर वाला भी हो गया है, कलर वाला, एक ऑरेंज एक व्हाइट। और मैं सोचे इतना कड़क धूप में चिप्स, आदमी जब मैं सुखा गया तब क्या, चिप्स का क्या हालत हो रहा है? तेरे फूफा के बैठा दी हीट है, सुखा जाएगा उनका पूरा हड्डी गल जाएगा। ये इतना इतना बेइज्जती मत कर, आ रहा हूँ ना तो दुकनिया बांध के मरबो करी है, जब पाप आएंगे तभी ना। हाँ तो गाइस देखिए, इतने कड़ी कड़ी मेहनत में सब लोग मिल के बना रहे हैं चिप्स। अब होली के बाद ही अगर थोड़ा बहुत बनाना रहेगा तो बनाऊंगी। भले पानी हम लोग के बिल्डिंग में आ जाए, सुन रही हूँ आज बोरिंग होने वाला है। उधर भी आ जाए, उधर भी वो साइड 4 बजे के साइड। ठीक है, इस धूप में से मैं चिप्स फैला के अपने घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद मुझे और काम है, अभी तो चिप्स बन गया है। आरो वहीं पे रुक गया अपने बुआ के घर पे, वो सुखवा के लेके आएगा, नहीं तो एक बार मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चिप्स बनाने में ननद ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि धोना धाना फैलाना उबालना ये सब काम है, जो है कि बर्तन मेरे पास इतने बड़े नहीं थे, अगल बगल से मांग के उन्होंने मेरा सारा काम एडजस्ट कर दिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।